दोस्तों यदि आप महेंद्र सिंह धोनी को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों दुनिया की सबसे खतरनाक लीग आईपीएल के 15वें सीजन का आगाज 26 मार्च को होने जा रहा है और ये ओपनिंग मुकाबला सीएसके वर्सेस केकेआर के बीच में खेला जाएगा और इस मुकाबले से ठीक पहले थाला ने मैदान पर वापसी कर ली है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे खतरनाक महेंद्र सिंह धोनी की, जिन्होंने नेट में अपनी गजब की बल्लेबाजी से सभी का दिल जीत लिया। आखिरकार किस तरीके से ऋषभ पंत के अंदाज में धोनी ने चौके छक्के बरसाए वो तो हम आपको सभी बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी और ऋषभ पंत में कौन है खतरनाक विकेटकीपर बल्लेबाज, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों भारत के पूर्व महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी कौन है ये बताने की किसी को जरूरत नहीं है। भले ही धोनी इस समय 38 साल की एज से ज्यादा के हो गए हैं, लेकिन आज भी उनके बल्ले का जलवा कम नहीं हुआ है और उन्होंने अपने बल्ले में धार लगाते हुए नेट में जमकर पसीना बहाया। आईपीएल 2022 को शुरू होने में अब 20 दिन से भी कम का समय बचा है। लीग के 15वें सीजन का ओपनिंग मैच महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में खेला जाएगा। दोनों टीमों ने इसके लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। चेन्नई की टीम धोनी की अगुवाई में सूरत में अपनी प्रैक्टिस कर रही है। फ्रेंचाइजी ने प्रैक्टिस का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें धोनी लंबे लंबे शॉट्स लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें वो एक हाथ से छक्का भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। मौजूदा चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स इस समय लाला भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में अपनी प्रैक्टिस कर रही है। सीएसके टीम ने प्रैक्टिस सेशन का अपना वीडियो शेयर किया है जिसमें धोनी नेट्स में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। खबरों के अनुसार चेन्नई ने सूरत में इसलिए प्रैक्टिस करने का फैसला किया क्योंकि यहां की मिट्टी मुंबई के ग्राउंड की मिट्टी जैसी है। यहां चेन्नई को अपने मैच खेलने हैं। आईपीएल 2022 के लीग चरण 4 स्टेडियमों मुंबई वानखेड़े स्टेडियम, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम और पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले जाएंगे। दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई में इस बार सारे खिलाड़ी नए होंगे। आपको बता दें कि अंडर 19 क्रिकेट में धूम मचाने वाले राजवर्धन हंगर केकर भी चेन्नई की टीम के हिस्सा होंगे और देखना दिलचस्प होगा कि क्या सितारों से सजी इस चेन्नई की टीम में उनका मौका आता है या फिर नहीं, या फिर वो पिछले सीजन में राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा रहे शिवम दुबे भी इस बार पीली जर्सी में नजर आएंगे और उन्होंने भी चेन्नई के स्क्वाड में शामिल होते ही जमकर पसीना बहाया। दोस्तों आपको क्या लगता है कि चेन्नई की टीम अपने पिछले प्रदर्शन को दोहराते हुए इस बार भी आईपीएल का खिताब अपने नाम कर पाएगी या फिर नहीं, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।